सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो या आपका बिजनेस यार अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो आपको यार यहाँ पे ऐसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिनको फॉलो करने के बाद यार आपके बिजनेस में एक अलग ही ग्रोथ या एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे यार मैं मान के चलता हूँ कि आप अभी अपने इनिशियल फेज पे हो बिजनेस के, तो यहाँ पे यार आपको अपने बिजनेस की यार एक गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करनी है। जिस भी एरिया में यार आपका बिजनेस लोकेटेड है वहां के एड्रेस पे यार आपको एक गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एंड ये वाला टूल यार गूगल का फ्री टूल है। एंड देखो, स्टार्टिंग फेज में हमारे पास यार इतना इन्वेस्ट करने के लिए मनी भी नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दे अपने बिजनेस पे। तो सेकेंड पॉइंट पे यार हमें अपने बिजनेस का कैटेलॉग बनाना है। कैटेलॉग में यार आपके प्रोडक्ट एंड आपकी सर्विस, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड डिटेल आपको वहां पे मेंशन करनी है। यहां पे यार कैटलॉग से आपको ये फायदा मिल सकता है कि अगर क्लाइंट आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में यार ब्रीफ से जानना चाहे तो आप कैटलॉग के थ्रू उसको अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। एंड थर्ड स्टेप पे यार आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होकर पोस्ट करनी है। लाइक आप वीकली 2 क्रिएटिव पोस्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में बताते हुए। एंड ये 3 स्टेप यार आप फ्रीली आप खुद से भी इनको फॉलो कर सकते हो। लाइक आपने गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बना ली, सेकंड वन पे आपने अपने कंपनी प्रोफाइल कैटलॉग बना लिया। तो ये वाले स्टेप तो यार एक फ्री स्टेप हो गए कि अगर आप इनिशियल फेज में हो बिजनेस के तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। एंड फोर्थ वन पे आ जाता है यार वेबसाइट। देखो, आपको यार अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है या आपको यार स्टेट वाइज में अपने बिजनेस की प्रेजेंस को दिखाना है, तो यहाँ पे वेबसाइट एक मेन रोल प्ले करती है। GMB प्रोफाइल यार एक लिमिटेड एरिया तक ही सर्च पे रहेगी, लाइक आपके लोकल बिजनेस को बूस्ट करेगी। GMB प्रोफाइल का जो एरिया रहता है यार वो 15-20 किलोमीटर तक लिमिटेड रहता है, बट वेबसाइट यार आपके ऑल ओवर वर्ल्ड सर्कुलेट हो सकती है। एंड वेबसाइट के थ्रू आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है यार SEO। एंड SEO यार हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो कि आपके यार आपको लगता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड रैंकिंग वाले कीवर्ड है, आप उन कीवर्ड को लेके यार अपने वेबसाइट का SEO करवा सकते हैं। SEO से रिलेटेड यार हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। अगर आप SEO के बारे में यार और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वाली वीडियो चेक कर सकते हो। सो ये यार हमारे कुछ स्टेप्स थे। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो बिजनेस के या आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, तो आप यार इन स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे, लाइक आप अपने बिजनेस की गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, कैटलॉग बना रहे हो जहां पे आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की इंफॉर्मेशन या ब्रीफ में आपने बता रखी है, देन आप सोशल मीडिया पे यार एक्टिवली पोस्ट कर रहे हो एंड एक्टिव हो सोशल मीडिया पे। एंड फिफ्थ वन पे यार आपका SEO रहेगा। अगर आपने वेबसाइट यार अपने बिजनेस की क्रिएट कर ली है तो उसके बाद SEO करवाना यार मैंडेटरी है, क्योंकि SEO से ही आपकी वेबसाइट रैंक पे आएगी। एंड आपकी वेबसाइट यार रैंकिंग पे रहेगी तो वहां से आपके पास बहुत ज्यादा इंक्वायरी यार लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे यार अगर आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो या आपका बिजनेस अभी इनिशियल फेज पे है, अगर इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके बिजनेस पे यार एक अलग ही बूस्ट या एक अलग ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो होप करता हूं यार गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो या SEO करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी यार अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।